वालेकुम नाजरीन, मैं थोड़ा अपना मेज़बान क्लब अब्बास ते तुसी आज वेख रहे हो साडा यूट्यूब चैनल। तो जिस तरह तुहानू पता है कि असी कोई ना कोई ऐसा स्टार और ऐसा पाकिस्तानी पॉजिटिव पाकिस्तानी नू एक स्क्रीन ते विखाने हैं, इस तरह अज साडे नाल बहुत ही अच्छे और साडे वास्ते इस पाकिस्तान दे फखर और सिखां चू जिन्हां पहले PhD की है ऐसे साडे मुअज्ज़ज़ साडे कोल मौजूद हैं। आइए इन्हां नाल गलबात करांगे और फैसलाबाद के अंदर अलफता कंपलैक्स स्पोर्ट्स के अंदर लाइब्रेरी के अंदर पंजाबी माँ बोली नू प्रमोट कराने वास्ते अज लोगों ने अवार्ड दिते गए। तो आइए साडे नाल मौजूद हैं तो इन्हां नाल गलबात करने हैं, इन्हां दे की तासुरात हैं, अज के बारे की आखना चाहते हैं, अज का जिहड़ा इन्ने अवार्ड मिले हैं इन्ने लोगों नू और पंजाबी माँ बोली के बारे की आखना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। जी मोहतरम जी, क्या हाल चाल है, मजाज कैसे हैं जी? बिल्कुल जी, ठीक ठाक चढ़दी कला जी, माशाल्लाह। तो तुसीं इह दस्सिया जे कि तुसी पहले PhD सिख हो, तो तुसीं यानी कि की आखना चाहते हो साडे नाज़रीनां नूं और अपने जिहड़े तुहाडे विचार हैं उह सांझे करिया जे अपने भाइयां नाल। बिल्कुल जी, और पहले तो मैं शुक्र अदा करदा हाँ अपने रब ताला दा कि उन्होंने इस जोगा कीता कि असी इत्थे पाकिस्तान दे विच असी अपने मुल्क की सेवा कर सकीए। क्या बात है। सो यह है कि मैनू अज माण है कि मैं पाकिस्तानी है, असी इत्थे रहने वाले पाकिस्तान दे विच रहने वाले चाहे वह हिंदू है, चाहे क्रिश्चन है, चाहे सिख हैं, वह सारे दे सारे बाई चॉइस पाकिस्तानी हैं और असी इस गल ते फखर करते हैं कि असी पाकिस्तान दे विच रहने हैं और साड़ी शनाख्त जिहड़ी है वह पाकिस्तान ही साड़ी शनाख्त है। और उस तो बाद यह है कि माँ प्यो दीआं दुआवां और असातज़ा दी मेहनत नाल मैं अपनी PhD जिहड़ी है वह मुकम्मल की है। सो यह है कि इस दे विच बहुत ज़्यादा मैं क्रेडिट देंगा अपने असातज़ा इकराम नू, पहली तो लैके तर PhD तक मेरे असातज़ा ने हमेशा मैनू प्यार मुहब्बत माण बख्शिया, मेरी पहचान नू जड़ा है वो अपने पग नू जड़ा है वो एक नवेकला एक खूबसूरत अंदाज नाल पेश कीता है। सो मैं सारा जड़ा क्रेडिट है वो अपने असातज़ा इकराम नू देना। देखो कि एक मेरी खुशकिस्मती भी है कि पाकिस्तान दे विच मेरे सारे असातज़ा जड़े सी वो मुस्लिम कम्यूनिटी तो सी, और जदों मेरा थीसिस इवैल्यूएशन लई गया उत्ते दुनिया दी दो बेहतरीन यूनिवर्सिटियां दे विच गया, एक कनेडा दे विच उत्ते भी डॉक्टर एन मॉर्फी ने उन्हूं चैक किया और दूसरा स्वीडन यूनिवर्सिटी दे विच डॉक्टर डीन्स ने उन्हूं चैक किया। दुनिया दी बेहतरीन यूनिवर्सिटियां दे उस मेरे थीसिस नूं ना सिर्फ चैक किया बल्कि मैनूं एवैल्यूएशन की और मैनू PhD डिग्री दित्ती है। सो इस लिहाज नाल ये पाकिस्तान लई भी फखर है कि मेरा जिहड़ा थीसिस है वह दुनिया भर के अच्छे थीसिसां विच शुमार होंदा है, अच्छी खोज विच अच्छी रिसर्च विच शुमार होंदा है और उसका क्रेडिट जिहड़ा है वह मैं सारे अपने असातज़ा इकराम नूं दिंदा। क्या बात। तो तुसी ये सानू दस्या जे कि तुहाडी तकरीबन जिहड़े साडे पाकिस्तान अंदर तुहाडे कोई रैलेटिव हिंदुस्तान च भी रहिंदे ने या सारे ही तुसी पाकिस्तान दे अंदर रह के और तुहानू साडे वतन दे अंदर तुहाडा ही वतन है जी क्योंकि तुसी भी साडे हुण भाई हो ते तुहानू इस वतन दे अंदर रह के इस मिट्टी नाल कितनी एक मुहब्बत है भी साडे जिहड़े भाई ने उन्होंने अपने विचार दस्या जे। बिल्कुल जी, इत्थे रहण वाले तुसी भी साडे मिट्टी दे हो, असी भी इसी मिट्टी दे हां ते असी एक मिट्टी दे जड़े इसी मिट्टी नू असी भी चोंगने हां खाने हां। सो ये मिट्टी जड़ी है यो ही साड़ी माँ है, यो ही साड़ी धरती माँ है और पाकिस्तान ही साडे पाकिस्तान दे विच एक इन्ने वड्डी एजाज की गल है कि बाबे नानक का जन्म पाकिस्तान विच होया है और बाबे नानक की आखिरी आरामगाह जी करतारपुर की सूरत वो भी पाकिस्तान विच है। सो ये एजाज जे रब ने पाकिस्तान नू बख्शिया होया है तो मेरा ख्याल है कि कोई पाकिस्तान नू नहीं खो सकता है और बाबे नानक के दोवें वड्डे अस्थान जड़े ने वो पाकिस्तान च है। दूसरी गल है कि पंजाब की धरती है, इत्थे हमेशा हर मज़हब नू हर धर्म नू हर फिरके नू हर जड़े नज़रियात रखने वाले नू कबूल किया है। सो असी सारिया नू भावें इत्थे दे रहण वाला क्रिश्चन होवे चाहे हिंदू होवे असी उन्हूं खिड़े मत्ते जड़े आ उन्हां नूं कबूल करदे आ। सानू भी लोकां ने इत्थे दे रहण वाले जड़े साडे मुसलमान वीर हन उन्हां ने खिड़े मत्ते कबूल कीता होया है। सो ये दोस्ती जड़ी साडे गुरुआं तो शुरू हुई है, ये दोस्ती जड़ी साडी वसेब विच है रैतल विच है ये हमेशा चलती रहेगी। क्या बात है। तो तुहानू साडे पाकिस्तान दे अंदर और साडे जिहड़े भाई हैं उन्हां दे तुसी की विचार आखना चाहते हो, तुहानू किदां दा महसूस हुंदा है साडे पाकिस्तान दे अंदर रह के जी?
देखो पाकिस्तान मेरा भी मुल्क है, मैनू बिल्कुल कोई महसूस नहीं होता है, एहो ही मेरे लोग ने, एहो ही मेरे साग संबंधी ने, एहो ही मेरे दोस्त ने। इत्थे अज अगर तकरीब हुई है तो मेरे दोस्तों ने मैनू इस माण बख्शिया और इत्थे मैनू अवार्ड दिता। उन्होंने कितने भी ये नहीं आख्या कि ये साढ़े तो ओपरा है, उन्होंने अपने अंग का अपने जिसम का मैनू हिस्सा समझा है। सो ये है कि इत्थे रहने वाले पाकिस्तान च रहने वाले जड़े ने पाकिस्तानी सिख जड़े ने पाकिस्तान आर्मी च ने, पाकिस्तानी पुलिस च ने, हत्ता के डॉक्टर्स बहुत वधिया वधिया सिख डॉक्टर ने इत्थे, अस किंग एडवर्ड मेडिकल दे विच असिस्टेंट प्रोफेसर ने। सो मैं भी एक यूनिवर्सिटी दे विच जिहड़ा कि पाकिस्तान की सब तो बेहतरीन यूनिवर्सिटी, खूबसूरत यूनिवर्सिटी है, वो जिस यूनिवर्सिटी लाहौर है, मैं उस विच एज ए प्रोफेसर जिहड़ा है वह पढ़ा रहा वा। सो मैं इसका आनंद लै रहा और जिते मैनू खुशी हो रही है उत्थे मेरे स्टूडेंट्स भी बहुत खुश ने और वह भी मेरे नाल जड़ा है जे अच्छी जॉबां दे उत्ते जा के भी वह बड़े फखर नाल कह रहा है कि असी सरदार जी दे शागिर्द आ। क्या बात है सरदार जी। सानू साडा लास्ट सवाल यही है कि अज साडे इस फैसलाबाद दे अंदर साडे वास्ते फखर दी गल है कि साडी मां बोली नू प्रमोट करन वास्ते इत्थे एक बहुत अच्छी तकरीब दा इनकाद किया गया जिंदे विच पंजाबी नू प्रमोट करन वालियां नू अवार्ड मिले गए। अज तुसी पंजाबी मां बोली दे बारे की आखना चाहते हो, क्योंकि साढ़े जेडे कुछ लोगों के ख्याल ये आते हैं कि असी अपने जेडे बच्चे हैं ना उन्हां दी परवरिश आउट ऑफ कंट्री कराइए, तो तुहानू अज पंजाबी मां बोली दे बारे तुसी की आखना चाहते हो? देखो पूरी दुनिया दे विच इस वेले पंजाबी जुबान जिहड़ी आ तरक्की कर रही है। तुसी वेख लो कि पंजाबी फिल्मां नू पूरी दुनिया वेख रही है, पंजाबी भंगड़े नूं, पंजाबी वसेब नूं, रहतल नूं, साडे लोक हुण अपने तन मन धन नाल जिहड़ा है एक्सैप्ट कर रहे हैं। सो पंजाबी बोली जिहड़ी है वह तरक्की कर रही है, वह 13वें तो दुनिया की 9वें जबान जिहड़ी है वह बन चुकी है। सो इत्थे भी लोगों नूं जिहड़े बाहर वसदे लोग ने उन्हां नूं अहसास होया है कि असीं तो अपनी बोली नाल ओबरा सलूक कर रहे हैं, वो वापस आ रहे हैं। फिर इत्थे देखो कि लैलपुर दे विच ए इंग्लैंड वसदे जिहड़े सी डॉक्टर साहब, उन्होंने आके ये जिहड़े अवार्ड शुरू किया पंजाबी सेवक अवार्ड, मेरा ख्याल है कि उन्होंने उत्थे जाके वेख्या है कि पंजाबी इन्नी तरक्की कर रही है तो असी अच्छा सलूक नहीं कर रहे हैं। उन्होंने आके अपना वो कर्ज़ लाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने अपने जड़ी नेक कमाई दे विच्चों देखो कि वो पंजाबी सेवक वास्ते जड़े सेवकां वास्ते जिन्होंने अच्छा ना कमाया है उन्होंने सारयां नूं अवार्ड दिते है। मेरा ख्याल है कि वेला हुण जिहड़ा आने वाला वेला है वो पंजाबी जबान अदब का होएगा, पंजाबी क्लासीकल पोएट्री का होएगा। सो सानू जड़ी है आने वाले दौर दे विच वेखना कि दिमाग का एक वड्डा हिस्सा जड़ा है वह मां बोली का होंदा है। सो आन वाले दौर जड़ा है वह मां बोली दौर होएगा। सो सानू हुण तो ही इनू एक्सैप्ट कर लेनी चाहिए है, असी अपनी पढ़ाई दे विच इनू शामिल करिए, अपनी नौकरियां दे विच इनू शामिल करिए और इनू इस तरह ही प्यार करिए जिवें अपनी सकी मां नू असी प्यार करते हैं। बिल्कुल सरदार साहब, तुसी प्रोफेसर होण दे नाते तुसी साडी यूथ नू और अपने जिहड़े यूथ दे नौजवान ने इस मुल्क दे उन्हां नू की मैसेज देना चाहते हो जी? बिल्कुल जी, और मेरा जड़ा है बिल्कुल साफ एक मैं शुरू तो ही एक बिल्कुल ओपन माइंड हो के कि देखो कि कट्टरपंथी जेहन दे विच जड़ी तुसी सोच लैके बैठे हो, कोई भी सोच जिहड़ी कि धार्मिक सोच होवे वो तुहाड़ी अपनी जाती सोच है, लेकिन इंतहा पसंदी वल ना जाओ, बल्कि जिहड़ी साडी रहतल है वसेब वल आओ, उहदे विच प्यार है, उहदे विच मुहब्बत है। अगर तुसी वेख लो कि साडे जिन्ने भी बाबे आए ने इत्थे बाबा फरीद जी तो लै के ते मियाँ मुहम्मद बख्श तक, सब ने अपने तो वध के लोगों नूं प्यार किया है। उन्होंने ये नहीं वेख्या कि तुहाडा धर्म की है, तुहाडी जात की है, तुहाडा फिका की है, उन्होंने सारयां नूं तन मन धन नाल जिहड़ा है वह प्यार किया है। और इहो ही मैं अपनी आने वाली नस्ल नूं कहांगा कि वह भी जड़े साडे मज़हब तो हट के, फिरके तो हट के, जात तो हट के, किसी भी किस्म के तासब तो हट के दूजे बंदे नाल प्यार करो एवें जिवें तुसी अपने रब नाल प्यार करदे हो, क्योंकि इस्लाम दे विच भी उहदा मुढ़ला असूल जिहड़ा है कि रब तुहाडी शहरग तों नेड़े है। सो दूसरा यह है कि दूसरा इंसान इंज ही है कि किसी इंसान की जान लैना जिहड़ा है वह सारी इंसानियत की जान लैना, यह एक ऐसे कानून ने रब ने जिहड़े दसे हुए ने कि मेरा ख्याल है
कि बहुत सारे दूसरे वसेब दे विच दूसरे मजहबां दे विच इस तरह का कानून नहीं है। सो सानू इस गल ते माण करना चाहिए है और हर दूसरे बंदे दी सानू सेवा करनी चाहिए है, उन्हें माण देना चाहिए है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।